अगर आप अपने बिजनेस का या स्कूल कोचिंग का या किसी भी तरह का पोस्टर बैनर बनाना चाहते हैं, वो भी हाई क्वालिटी में, अच्छे डिजाइन में, वो भी बिल्कुल फ्री में, तो आज के इस वीडियो में बताने वाले हैं। आपको कुछ करना नहीं, बना बनाए आपको पोस्टर बैनर मिलने वाले हैं। जिस भी कैटेगरी का चाहिए, आपको सिर्फ एडिट करके अपना फोटो फोटो नाम वगैरह जो भी ऐड करना चाहे आप ऐड कर सकते हैं। ये पूरी प्रक्रिया हम आपको इस वीडियो में बताने की कोशिश कर रहे हैं। वीडियो शुरू करने से पहले गुजारिश करेंगे कि चैनल पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर ले। तो चलिए हमेशा की तरह समय न गंवाते हुए वीडियो के मेन टॉपिक पे आते हैं। और मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस वेबसाइट का लिंक दिया हूँ। इस वेबसाइट के लिंक पे क्लिक करके आप इस वेबसाइट पे आ सकते हैं। यहाँ पे कैरियर डिजाइन यानी कि खुद से अपना डिजाइन भी कैरियर कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपको बना बनाया सभी कैटेगरी के डिजाइन मिल जाएंगे। वहाँ पे सिर्फ अपना फोटो चेंज कर सकते हैं, कुछ लिख सकते हैं अपने हिसाब से, यानी कि सारा चीज बना बनाया आपको पोस्टर मिलने वाले हैं फ्री में। तो उसके लिए यहाँ पे टेम्पलेट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको किस टाइप का चाहिए वो सिलेक्ट करेंगे। जैसे कि पोस्टर चाहिए इंस्टाग्राम पोस्ट के लिए चाहिए, फेसबुक पोस्ट के लिए चाहिए, इवेंट के लिए, फादर्स डे के लिए, समरी के लिए, किस टाइप के चाहिए। उसका पर मोड अगर बिजनेस का कुछ बनाना चाहते हैं पोस्टर बैनर, तो बिजनेस के रिलेटेड आपको यहाँ पे स्कूल का भी दिया गया, ब्रांड का भी दिया गया, स्मॉल बिजनेस के लिए डिस्कवर का भी, यहाँ पे आपको टीम का बनाना है टीम का आप देख सकते हैं। साथ साथ सोशल मीडिया पोस्ट, डिजाइनिंग, ऑनलाइन क्लास जो भी है देखना चाहे आप, जैसे ऑनलाइन क्लास का बनाना चाहते हैं पोस्टर, तो ऑनलाइन क्लास पे क्लिक करेंगे। मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए ऑनलाइन क्लास पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे नीचे आएंगे, यहाँ पे देखिए बना बनाया डिजाइन आपको मिल जाएगी। यहाँ पे ये देखिए बना बनाया एक डिजाइन है, इस पर आप क्लिक करके एडिट करके अपने हिसाब से आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मैं दूसरी कोई डिजाइन और देख लेता हूँ और मैं आपको दिखाता भी हूँ। और यहाँ पे ऑल टेम्पलेट पे क्लिक, टेम्पलेट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऑल टेम्पलेट आ जाएंगे। यहाँ से भी आप कैटेगरी ले सकते हैं, ठीक है। तो डायरेक्ट हम आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे देंगे ताकि आप यहाँ पे कैटेगरी जो बनी हुई कैटेगरी आप देख सकते हैं। यहाँ से अपने हिसाब से कैटेगरी सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे ऑल है, जो भी कैटेगरी के आपको पोस्टर बैनर बनाना है आप बना सकते हैं हाई क्वालिटी में। चलिए हम बना के दिखाएंगे आपको। यहाँ पे देखिए इस पर हमको एडिट करना है अपना बनाना है, तो एडिट टेम्पलेट पे क्लिक करेंगे। जैसे एडिट करेंगे यहाँ पे कस्टमाइज टेम्पलेट है, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे कुछ इस तरह बन के रेडी होने वाला है आपका। तो यहाँ पे आपके सामने आप जो आपका टेम्पलेट है वो ओपन हो जाएगा। तो ये देख सकते, थोड़ा सा नेटवर्क स्लो है इसलिए टाइम ले लिया, ठीक। जब बन के रेडी होगा तो कुछ इस तरह रेडी होगा। यहाँ पे कंप्यूटर स्क्रीन पे अपना फोटो लगा सकते, जो भी लगाना चाहते हैं, या अपने सिस्टम का फोटो लगा सकते, टेबलेट में भी अपना लगा सकते। यहाँ पे जो लिखा हुआ इसको भी चेंज कर सकते, ये जो कॉन्टेंट डिटेल इसको भी चेंज कर सकते, ये जो कौन नाम है लोगो इस सब कुछ चेंज करके अपना एक प्रोफेशनल बना सकते हैं। यहाँ बना बनाया टेम्पलेट है, आपको सिर्फ फोटो और टेक्स्ट को चेंज करके अपना एक पोस्टर बैनर बना लेना है HD क्वालिटी में विदाउट बिना किसी कॉपीराइट का। चलिए मुझे ये इसका जो फोटो, इस फोटो को चेंज करना है तो इस पर क्लिक करेंगे। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारे सामने बहुत सारे ऑप्शन ओपन हो जाते हैं जो कि आप देख पा रहे हैं। तो यहाँ से आप देखिए क्रॉप कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप रिप्लेस पे क्लिक करके फोटो आप रिप्लेस कर नया फोटो ले सकते हैं। उसके लिए माय फोटो पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे अपलोड फोटो पे क्लिक करेंगे। जो भी फोटो अपलोड करना है वो फोटो यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे। तो ये फोटो चाहिए, इस मैंने सिस्टम का स्क्रीनशॉट ले लिया, ये देख सकते ये फोटो है, इसको हम सेलेक्ट करेंगे और ये फोटो यहाँ पर अपलोड हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं अपलोड हो रहा है, ये फोटो फोटो अपलोड हो चुका है और वो फोटो यहाँ पे ऑटोमेटिक लग चुका है। जो यहाँ पे आप इसके हिसाब से एडजस्ट भी कर सकते हैं, जितना लेना चाहे आप यहाँ से इसको कम बेस भी कर सकते हैं। फ्री करेंगे यानी पूरा स्क्रीन आ जाएगा, उसके बाद क्रॉप कर सकते हैं या डोंट क्रॉप भी क्लिक करेंगे। जो फोटो वो फोटो यहाँ पे ऑटोमेटिक देख सकते हैं आ चुका है, मैंने फोटो चेंज किया फोटो आ चुका है, आप देख पा रहे हैं देखिए कितना अच्छा लग रहा है। आपका जो सिस्टम का फोटो था वो यहाँ पे लग चुका है। इसी तरह आप किसी भी पोस्टर का बैनर को मतलब फोटो को टेक्स्ट को बदल सकते, जैसे अभी इस टैबलेट का फोटो बदलेंगे, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से न्यू पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे और जो भी फोटो लेना चाहे यहाँ पे फोटो ले सकते हैं। हम फिलहाल ये फोटो लेते हैं, फोटो ले चुके हैं, ये भी फोटो अपलोडिंग हो रहा है और जस्ट ये फोटो भी हमारा अपलोड हो चुका है। फोटो अपलोड हो चुका है, वो फोटो यहाँ पर आ चुका है, इसे क्रॉप करना चाहे तो क्रॉप कर सकते हैं, इस तरह क्रॉप करना चाहे तो क्रॉप कर सकते हैं। क्रॉप करेंगे, यहाँ पे देखिए वो फोटो भी आ चुका है जो भी हमने अभी अपलोड किया था, ठीक है। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे ये आ चुका है, ये भी फोटो आ चुका है, ये भी आ चुका है। अभी यहाँ पे ये टेक्स्ट अगर इसको चेंज करना चाहे तो इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है। जैसे इसको चेंज करना है इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम इसे
चेंज कर लेंगे, जैसे यहाँ से आप इसको जगह भी इसका चेंज कर सकते हैं, और यहाँ पे हम इस पर क्लिक करेंगे और ये देखिए ये आ चुका है। हम यहाँ पे इसको हटा दिए, जो भी टेक्स्ट आप लिखना चाहें आप यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, जो भी टेक्स्ट आप लिखना चाहें आप यहाँ पे लिखेंगे। आप इसको आप ज्यादा खींच भी सकते हैं अपने हिसाब से। तो यहाँ पे ये टेक्स्ट आ चुका है, इसके छोटा बड़ा करना चाहे आप यहाँ से इसको इसकी साइज की छोटा बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे इसको हम इस तरह एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, जहाँ भी एडजस्ट करना चाहे आप एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये एडजस्ट हो गया, हम सिर्फ आपको दिखाने के लिए समझाने के लिए इस तरह कर रहे हैं, हम कोई बना नहीं रहे हैं। तो आपको बना के दिखा रहे किस तरह पोस्टर बनता है, बैनर बनता है ऑनलाइन बिना कुछ किए, सिर्फ बना बनाया को आपको एडिट कर दे। उसके बाद यहाँ पे आपकी वेबसाइट है, वेबसाइट की भी लोगो चेंज कर सकते हैं, और वेबसाइट का लोगो हम अभी फिलहाल के लिए यही रहने देते हैं, और इसका यूआरएल जो ये चेंज कर दे, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करिए, और उसके बाद जो भी आपका वेबसाइट है वो वेबसाइट यहाँ पे आप डाल देंगे। वेबसाइट डाल दिए, बाहर क्लिक करेंगे, ये भी हो चुका। उसके बाद यहाँ पे फेसबुक वगैरह आप डालना चाहे तो वो भी आप डाल सकते हैं, फेसबुक के यूआर, फेसबुक यानी कि सोशल मीडिया के जो यूआरएल है वो आप यहाँ से डाल सकते हैं। तो मैं आपको बताने के लिए कर रहा हूँ। उसके बाद देखिए ये जो नाम है, ये नाम और ये लोगो चेंज करने के लिए आपको सेम उसी तरह लोगो पे क्लिक करना है, यहाँ से आपको रिप्लेस पे क्लिक करना है, फोटोज पे क्लिक करके आपको जो भी लोगो रखना है वो लोगो को आपको डायरेक्टली यहाँ पर अपलोड कर देना होगा। एग्जाम्पल के तौर पे मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ। और ये लोगो है, सेलेक्ट किए, ये लोगो अपलोड हो गया, और यहाँ पे देख सकते हैं ये लोगो अपलोड हो रहा है, अब लोगो अपलोड हो रहा है, अब वो लोगो यहाँ पे रिप्लेस हो गया। अब यहाँ पे ये जो टेक्स्ट, इसको भी हम चेंज कर सकते हैं, इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद ये टेक्स्ट दिए, टेक्स्ट देने के बाद यहाँ पे इसको जो फॉन्ट है आप फॉन्ट उसको भी चेंज कर सकते हैं, लिखावट टेक्स्ट के जो फॉन्ट है इस पर यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ फॉन्ट है इस पर क्लिक करेंगे, और यहाँ से आप इसको भी चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से, और इसके भी आपको लाइन हाइट स्पेस वो सब आप अपने हिसाब से रख सकते, कितना स्पेस हर टेक्स्ट के बीच में रखना है वो सारी चीज़ आप अपने हिसाब से यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि स्पेस कितनी बढ़ रही है, और पूरा छोटा कर देंगे तो वो भी आप अपने हिसाब से यहाँ पे कर सकते हैं, और इसकी साइज भी आप छोटा बड़ा यहाँ से, साइज भी आप यहाँ से कम बेस कर सकते हैं। साथ साथ यहाँ पे आपको इस सेंटर में भी आप ले सकते हैं, और यहाँ पे इसकी बैकग्राउंड जो है, बैकग्राउंड को भी चेंज कर सकते, बैकग्राउंड पे क्लिक करेंगे, आप देखिए इसकी जो बैकग्राउंड है ये चेंज हो चुकी है। यहाँ पे अब कलर, यहाँ पे देखिए कौन अलग कलर है, इस कलर को चेंज करना चाहते हैं, यहाँ पे वो कलर है उस कलर पे क्लिक करेंगे, जो भी कलर लगाना है वो कलर यहाँ सेलेक्ट करेंगे, लगा लेंगे। तो यहाँ पे देखिए बैकग्राउंड की कलर चेंज हो चुकी है। अब टेक्स्ट की कलर चेंज करना है, टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे कलर है ब्लैक जो कि फील के नीचे है, और इस पे क्लिक करके यहाँ पे इसको व्हाइट कर लेंगे तो ये व्हाइट कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरह एक पोस्टर बन के रेडी हो चुका है, अब इसे हम सेव कर सकते हैं। सेव करने के लिए आपको फेसबुक या गूगल किसी से लॉगिन करना होगा, और उसके बाद या आप डायरेक्ट डाउनलोड पे क्लिक करेंगे बिना सेव किए, या डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। तो देख सकते हैं डाउनलोड, प्लीज वेट। अब यहाँ पे आपको दो ऑप्शन है, एक तो फ्री है बेसिक इमेज, और दूसरा है कि हाई क्वालिटी, जिसमें आपको चार्ज पे करना होगा। मैं फ्री वाला करूँगा तो फ्री वाला को सिलेक्ट करूँगा और डाउनलोड पे क्लिक करूँगा। डाउनलोड पे क्लिक करने के बाद हमारा जो पोस्टर है, बैनर जो मैंने अभी बनाया उस पर क्लिक करके अब यहाँ से आप देख सकते हैं क्या क्या क्वालिटी, देख सकते हैं क्वालिटी बहुत अच्छा है। इसी भी मैंने इससे पहले भी कई पोस्टर बना चुका जो कि मैं आपको दिखा देता हूँ, इसे भी हम क्लोज करेंगे। इससे पहले मैंने आप दो तीन पोस्टर बनाए थे, मैं आपको सभी दिखा देता हूँ। पहला जो मैंने आपको मैंने बनाया था इसी वेबसाइट से, जो कि आप देख पा रहे, एक अच्छी क्वालिटी में जो आप देख पा रहे बैनर है,
जो मैंने वहीं से बनाया। यहाँ पे ये इमेज वगैरह वो सारा चीज कंपनी के द्वारा ही दिया था। यहाँ पे लंच कंपनी, यहाँ पे डेट दे दी, टाइम दे दी, कंपनी का नाम देगी, लंच बाय सीईओ, जो भी लिखना चाहे आप लिख सकते हैं। मैं तो डेमो के लिए जो भी मन में हुआ लिख दिया। उसके बाद वेबसाइट दे दी, एड्रेस दे दिए, फिर ज्वाइन ऑन यूट्यूब, ये सारी चीज हम देखिए एक पोस्टर बैनर बना लिए, यानी कि एड्स के लिए अपनी कंपनी अपनी बिजनेस के लिए। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे भी एक और बनाए हैं जो कि आप देख पा रहे हैं, ये वही है जो मैंने अभी एडिट किया, वही सेम है, उसी वॉलपेपर पे मैंने इसको एडिट किया। ठीक है, बिल्कुल फ्री में। और साथ साथ यहाँ पे GIF वीडियोज भी मिलते हैं, वीडियोज भी बना सकते हैं। इसके लिए मैंने जो बनाया वो वीडियो भी आप देख लीजिए, ये देख सकते हैं आप। सबसे पहले यहाँ पे छोटा सा है, यहाँ पे 5 डे मैंने रखा था, और वेबसाइट लॉन्च होने वाला कमिंग सून, उसके बाद वेबसाइट की लोगो, ये सब जो टेक्स्ट है ये सब मैंने लिखा है, जो कि आप देख पा रहे हैं। ये वीडियो भी बन चुका है, इस तरह का वीडियो भी आप इसी वेबसाइट से बिल्कुल फ्री में बना सकते हैं। अभी मैं चलता हूँ बैक इसके होम डैशबोर्ड पे। अब यहाँ से भी क्रिएट कर सकते हैं अपने हिसाब से डिजाइन, वो हम डिजाइन अपने हिसाब से क्रिएट करके दिखाने वाले। इस पर क्लिक करेंगे और चले जाएंगे इसकी वेबसाइट की ऑफिशियल साइट पे। यहाँ पे आ चुके, खुद का डिजाइन बनाने के लिए कैरियर के डिजाइन पे क्लिक करेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन इस वीडियो में आपको पूरी चीज हम कंप्लीट बताने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको कुछ मिल जाते हैं इवेंट के, स्मॉल बिजनेस के, जो भी आप यूज करना चाहते कर सकते। अगर नहीं यूज करना चाहते, खुद का बनाना चाहते हो, तो यहाँ पे कैरियर के पे क्लिक करेंगे। जैसे आप कैरियर पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको सबसे पहले ले लेना होगा साइज, यहाँ पे पॉपुलर जो भी साइज लेना चाहे आप ले सकते हैं। तो मैं फेसबुक का साइज ले सकता हूँ, इंस्टाग्राम पोस्ट का, किस चीज किस साइज में आप बनाना चाहते हैं, यहाँ से साइज है A4 साइज में बनाना चाहते हैं, वीडियोज बनाना चाहते हैं, क्या बनाना चाहते हैं, वो सारी चीज सोशल मीडिया की पोस्ट बनाना चाहते हैं, तो ये सब आप बना सकते हैं। जैसा कि मैं अभी सोशल मीडिया पोस्ट बनाऊंगा, इंस्टाग्राम पोस्ट ही मैं डेमो के तौर पर ले लेता हूँ। तो इस पर हम क्लिक करेंगे, जो भी बनाना है तो वहाँ पे साइज ऑटोमेटिक दिया गया है कैटेगरीज के वाइज से, कौन कैटेगरी में क्या साइज लगता है वो हिसाब से। ठीक है, अब यहाँ पे दिया गया बैकग्राउंड, बैकग्राउंड में आप कोई इमेज लेना चाहते हैं, या कोई अपलोड करना चाहते हैं, या कोई कलर लेना चाहते हैं, या इस तरह का कलर लेना चाहिए, या ये लेना चाहते हैं, वो अपने हिसाब से लड़ गए। चलिए हम ये वाले कलर लेंगे, इस पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ बहुत सारे कलर आ चुके, जो भी कलर लेना है कलर हम ये वाले कलर सेलेक्ट किए, उसके बाद अप्लाई पे क्लिक कर दिए। अब देखिए हमारे पास एक सादा ब्लैंक पेज आ चुका है, जो कि उसी साइज में जो मैंने साइज सेलेक्ट किया था, सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पोस्ट का साइज मैंने सेलेक्ट किया था, वही साइज में यहाँ पे आ चुका है। अब यहाँ पे कहाँ पे क्या लिखना है वो अपने हिसाब से सेलेक्ट करना, वो कहाँ पे क्या फोटो देना वो अपने हिसाब से सेलेक्ट करना, क्योंकि मैं कस्टम पोस्टर बना रहा हूँ। ठीक है, बना बनाया मिल रहा था, वहाँ भी कर सकते थे, खुद से बनाना चाहिए वो भी। चलिए अगर फोटो ऐड करना चाहते तो फोटो भी ऐड कर सकते हैं, उसके लिए यहाँ पे फोटो पे क्लिक करेंगे, ऐड फ्रॉम माय फोटो भी क्लिक करेंगे, उसके बाद अपलोड फोटो पे यहाँ पे क्लिक करेंगे, उसके बाद जो भी फोटो लेना चाहे आप ले सकते हैं। एग्जांपल के तौर पे मैं एक अपना फोटो यहाँ पे ले लेता हूँ, तो यहाँ से आप इस तरह कर सकते हो। और फोटो लेना चाहते तो फोटो ले, टेक्स्ट लिखना चाहते टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, ऐड करेंगे, और जहाँ पे भी टेक्स्ट लिखना चाहते यहाँ पे ये आ चुका है। जैसे कि मैं नाम लिख लेता हूँ, नाम लिख, अब यहाँ पे इस नाम को जहाँ पे भी देना है हमको, यहाँ पे हम इसको इस तरह सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे हम इसको सॉरी इसको इस तरह सेलेक्ट करेंगे, और इसको हम इस तरह जहाँ पर भी लेना चाहे वहाँ पे ले सकते इस तरह का फोटो। अब देखिए मैंने एक से ज्यादा फोटो ले लिया, मैं चाहता हूँ अभी इस फोटो को डिलीट करने के लिए, इस फोटो को सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे डिलीट आइकन पे क्लिक करेंगे, इसको भी डिलीट करना है इस पर क्लिक करेंगे, डिलीट आइकन पे क्लिक करें। इस तरह आप कस्टम इमेज बना सकते हैं, यहाँ पे लेआउट भी ले सकते हैं, ऐड करेंगे यहाँ पे अपने हिसाब से आप लेआउट भी ले सकते हैं, किस तरह का आपको चाहिए डिजाइन वो भी डिजाइन आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मुझे इस तरह का डिजाइन था, इस पर क्लिक करेंगे, और यहाँ पे आप डेट वगैरह डिजाइन, जैसे कि मैं आज का ही देता हूँ, और यहाँ पे समय, ये सब ऑटोमेटिक ऐड है, इसको आप एडिट चेंज कर सकते हैं। मैं फिलहाल आपको ये ऑटोमेटिक ऐड है उसी पे करके दिखाऊंगा। तो ऐड करेंगे, ऐड शेड्यूल,
ये देख सकते कितने अच्छे डिजाइन में आ चुका है। अगर कोई इवेंट वगैरह है तो इस डेट को क्या है इवेंट, टाइम क्या है, स्थान क्या है, वो देख सकते हैं। फिर दूसरे डेट को इस तरह यहाँ पे आप इस तरह एक डिजाइन भी अपने हिसाब से लगा सकते हैं। जैसे कि ये जो गोल वाले, इसको हम यहाँ से रिमूव करते हैं, यहाँ पे लाते और इसको हम नीचे कर लेते, ठीक है। और ये जो दिल है इसको भी हम इस तरह छोटा कर लेंगे और इसको भी हम इस तरह एडजस्ट कर लेंगे। जहाँ पे भी आप लगा, इसमें बहुत अच्छे अच्छे डिजाइन, आप लेआउट पे भी अच्छे डिजाइन ले सकते हैं, एलिमेंट पे भी आपको बहुत अच्छे अच्छे डिजाइन मिल सकते हैं। यहाँ भी आप यहाँ से भी एडिट आप कर सकते हैं, एडिट पे क्लिक करेंगे, यहाँ से एडिट पे क्लिक करके आप यहाँ से एडिट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से एडिट कर सकते हैं, कॉन्टेंट को एडिट कर सकते हैं। यहाँ पे तारीख जो भी, जैसे कि हम लेना चाहते हैं 6 तारीख इसमें हो गया, और इसमें हम 7 ले लेते हैं, इसमें 8। अब टाइम हम इसको एक, तो इसको हम 2 3 कर देते हैं, और इसका टाइम हम 4 कर देते हैं। अब यहाँ पे हम टॉपिक भी लिख सकते हैं, टीम लिख सकते हैं। तो हम लिखते हैं यहाँ पे टॉपिक F9 के बारे में बताया जाएगा, इसमें F2 के बारे में, F3 के बारे में। और यहाँ पे स्थान आप लिख सकते हैं, ठीक है, स्थान लिख सकते हैं। अब यहाँ पे भी आप और ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे आप हाईलाइट भी कर सकते हैं टीम को। तीनों में जो फर्स्ट को हाईलाइट करता हूँ और थर्ड को हाईलाइट करता हूँ, जब वो दिखने में अच्छा लगे। उसके बाद यहाँ पे अप्लाई करेंगे। अब देखिए अप्लाई किया तो हाईलाइट देख सकते हैं, इसके अंदर जो बैकग्राउंड ये थोड़ा अलग है और इसके अंदर अलग है, ये हाईलाइट है और ये हाईलाइट नहीं, इसका बैकग्राउंड अलग है। यहाँ पे टॉपिक स्थान टाइम, टॉपिक स्थान टाइम ये भी आप देख सकते हैं। इसी तरह आप इसके अंदर दिल के अंदर और ये गोला जो है एलिमेंट, ये दोनों एलिमेंट के अंदर भी फोटो लगा सकते हैं ऐड फोटो करके। अब यहाँ पे बैकग्राउंड चेंज करना है, बैकग्राउंड को भी आप चेंज कर सकते हैं, ये जो बैकग्राउंड मैंने पीछे बनाया था, ठीक है। अब इसे हम सेव करेंगे तो यहाँ पे हम सेव कर सकते हैं। अगर हम बॉर्डर हटाना चाहें तो बॉर्डर भी हटा भी सकते हैं, फोटो भी क्लिक करेंगे। फिलहाल के लिए मैं इस बॉर्डर को, बॉर्डर ये रहा और इसको हम नो बॉर्डर कर लेते, बॉर्डर हट गया, ओके। अब देखिए इसको हम पब्लिश कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, रिसाइज करते हैं, एक साइज में कन्वर्ट कर सकते हैं, और यहाँ पे डाउनलोड भी क्लिक करके आप इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे डाउनलोड की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। प्लीज वेट, यहाँ पे 102 सेकंड वेट करने के, वो यहाँ पे बेसिक को सेलेक्ट करेंगे, फ्री वाले को, और डाउनलोड कर लेंगे। ये हमारा इमेज जो है ये बन के रेडी हो चुका, हमारा पोस्टर, इस पर क्लिक करेंगे और ये हमारा पोस्टर बन के रेडी हो चुका, जो कि हम इंस्टाग्राम पोस्ट के लिए बनाए थे। इसी तरह आप खुद से अपने मन से पोस्टर को कस्टमाइज कर सकते हैं, या बना बनाया पोस्टर उसको भी एडिट करके अपना फोटो और टेक्स्ट लिख सकते हैं। और यहाँ पे आपको बहुत सारे इवेंट, स्मॉल बिजनेस, जैसे कि ये मेगा सेल है, इस पे बनाना चाहते हैं पोस्टर, आपका कोई बिजनेस है, अपने बिजनेस के रिलेटेड कोई पोस्टर बनाना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है, ठीक है। वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, वीडियो तकरीबन 18-19 मिनट का होने चला है, लेकिन इस वीडियो में आपको कंप्लीट, जैसे कि ये वाले आपके बिजनेस के रिलेटेड, ये भी आपके बिजनेस के रिलेटेड, ये भी ओपनिंग सुम आपका शॉप ओपन होने वाला, उसका पोस्टर बना के आप सोशल मीडिया पर लगाए कस्टमर को बता सकते हैं हमारा ये बिजनेस, हमारा ये प्रोडक्ट आने वाला है। तो ये बहुत ही अच्छा वेबसाइट है जहाँ से आप फ्री में HD क्वालिटी में अपना मनपसंद या बना बनाया पोस्टर इमेज अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए यूज कर सकते हैं। साथ साथ ये तो पोस्टर हो गया, इमेज हो गया, अगर वीडियोस बनाना चाहे तो यहाँ पे आपको वीडियोस के ऑप्शन मिलेंगे, इस वीडियोस पे क्लिक करेंगे, अब यहाँ से वीडियोस को भी एडिट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे वीडियोस है, ऑनलाइन मीटिंग वीडियोस है, इसे भी आप एडिट कर सकते हैं, सेल्स वीडियोज है, क्लाइंट सर्विस है, क्लीनिंग सर्विस है, बिजनेस है, बहुत सारे वीडियोज भी आपको यहाँ पे दिखने को मिल जाएंगे। तो मैं आपको बताने ऑनलाइन मीटिंग को ही सिलेक्ट करता हूँ। ऑनलाइन मीटिंग भी क्लिक करने के बाद भी यहाँ पे आपको बहुत सारे वीडियोस आपके सामने ओपन हो जाएंगे, जैसे ये वीडियोस है, अपकमिंग इवेंट, इवेंट आने वाला है इसके बारे में ये बताया गया है, तो इस पर हम एडिट कर सकते हैं और उसका कस्टमाइज टेम्पलेट। अब ये हम देखिए वीडियो भी बना के आपको दिखाने वाले हैं, जैसे इमेज ये जो भी है आपके सामने, ये एक वीडियोज है, ठीक है, जो कि आप देख पा रहे हैं, पीछे का बैकग्राउंड देख सकते चल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे इसकी जो टेक्स्ट, इसको चेंज करना चाहे तो हम इसे चेंज भी कर सकते हैं। अगर आपका कोई स्कूल है तो स्कूल का नाम दे दीजिए, जैसे कि मैं आपको दिखाने के लिए एक स्कूल का नाम यहाँ पे फिलअप कर दिया, ठीक है। अब इसकी साइज भी हम इसको साइज एक रिसाइज करते हैं, ये जो इस टेक्स्ट को सिलेक्ट किए और यहाँ से इसके साइज को भी हम
इस तरह छोटा बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह का अब यहाँ पे जो ये जो टेक्स्ट ऑलरेडी लिखा हुआ, अगर इसको चेंज करना चाहिए इसी तरह चेंज कर सकते। अगर साइज को कम करना चाहते इस तरह आप इसको साइज को कम कर सकते। कहाँ पे एडजस्ट करना है इसको भी मैं आपको अभी कोई टेक्स्ट चेंज करके नहीं दिखाऊँ, क्योंकि मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ। इस तरह अपने हिसाब से साइज को भी कम बेस कर सकते। यहाँ पे नाम वगैरह भी एडिट कर सकते, इन्फॉर्मेशन भी क्लिक करके इसको भी एडिट कर सकते हैं। अगर आपको पढ़ने में दिक्कत हो रहा, नहीं दिखाई दे रहा, तो यहाँ पे जूम बटन है, इस जूम बटन पे क्लिक करके आप इसे जूम कर सकते, जितना चाहे उतना आप जूम कर सकते और अच्छे से देख सकते। चलिए अब यहाँ पे फोटोज है, फोटो चेंज करना, जैसे ये फोटो चेंज करना है, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे रिप्लेस आएगा, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आपको फोटो अपलोड कर लेना होगा, जो भी फोटो आपको लगाना होगा। जैसे कि मैं एड अपलोड फोटोज पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे भी हमारे बहुत सारे फोटोज आ जाते हैं, तो यहाँ से हम ये वाले फोटो ले लिए। फोटो लिए, मेरा फोटो जो अपलोड हो चुका है, जो कि आप देख पा रहे हैं। अपलोड होने के बाद वो फोटो अब यहाँ पे आ चुका है। अब इस फोटो को हम यहाँ पे इस रेक्टेंगल में सेलेक्ट करेंगे और क्रॉप करेंगे। क्रॉप करने के बाद ये आ चुका है। अब इस फोटो को हम इस तरह एडजस्ट करेंगे अपने हिसाब से, देख ही सकते हैं एडजस्ट हो करना है इसको, एडजस्ट हो गया जो आप देख पा रहे हैं। अब ये लाइन जो, ये लाइन भी आपको चेंज कर सकते, ये लाइन जो चले गए। अब देखिए दूसरे फोटो को चेंज करेंगे, दूसरे फोटो क्लिक करेंगे, इसी तरह आपको फोटो लेना होगा, जो भी फोटो आपको अपलोड करना है, जो भी फोटो लगाना है वीडियोस में, वो सारे फोटोज आप यहाँ से अपने मन पसंद से लगा सकते। जैसे कि मैंने फोटोज अपलोड किया, तो फोटो अपलोड किया, वो फोटो यहाँ पे आ चुके, इसको भी हम क्रॉप कर लेंगे। क्रॉप करने के बाद फोटो आ चुके, इस फोटो को भी हम अपने हिसाब से एडजस्ट करेंगे। यहाँ पे फोटो एडजस्ट हो गया जो कि आप देख पा रहे हैं। इसी तरह आप सभी फोटोज को अपलोड कर सकते हैं। चलिए ये दो मैंने चेंज किया, आप दो रहने देता हूँ। अब मुझे डाउनलोड पे क्लिक करके आपको दिखा देना है। डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, वीडियोस का भी कोई चार्ज नहीं लगता है, बिल्कुल फ्री में आप बना सकते हैं। यहाँ बेसिक को सेलेक्ट करेंगे, फ्री वाला, और डाउनलोड पे क्लिक करेंगे। डाउनलोड पे क्लिक करने के लिए यहाँ पे वीडियो क्लिक करने के लिए यहाँ पे लॉगिन मांग रहा है, तो फेसबुक से या गूगल से या आप इसकी पर अकाउंट बना सकते, क्रिएट अकाउंट करके। चलिए मैं फेसबुक से लॉगिन हो जाता हूँ। यहाँ पे फेसबुक का यूजर आईडी पासवर्ड देंगे, लॉगिन करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हमारे फेसबुक अकाउंट को ओटीपी सिस्टम इनेबल, तो ओटीपी हमारे मोबाइल ईमेल पे भेज दिया गया था, ओटीपी आ चुका। अब उसके बाद हम यहाँ पे जारी रखे पे क्लिक करेंगे। ओटीपी डालने के बाद ये लॉगिन हो जाए, लॉगिन हो चुका है। यहाँ पे हमारे डिजाइन जो कैरियर भी हो चुका है, जो कि कैरियर होने के बाद वीडियो फॉर्मेट में डाउनलोड हो चुका है। हम जो कि देख पा रहे हैं MP4 में, जो कि आपको दिखा देते हैं हम। यहाँ से आप बिल्कुल आसानी से वीडियोज है, जो कि देख सकते हैं 8 सेकंड की वीडियोज है, इसको ओपन करेंगे। ओपन करके भी आपको हम दिखा देते हैं। तो ये हमारी वीडियोज है, जो कि देख सकते हैं 8 सेकंड की वीडियोज है, ये यहाँ पे देख सकते हैं। ये अंदर की बैकग्राउंड भी देख सकते हैं, अंदर में बैकग्राउंड भी चल रहा है, अंदर की बैकग्राउंड को ध्यान से देखिएगा। और यहाँ जो फोटो लगाए थे, जो टेक्स्ट लिखे थे, वो सारी चीज यहाँ पे आ चुका है। वीडियो थोड़ा लंबा जरूर बन गया है, लेकिन आपको पूरी अच्छे से समझ में आ गया होगा फोटो वीडियो को किस तरह बनाते हैं, मनपसंद कस्टमाइज वॉलपेपर पोस्टर किस तरह बनाते हैं। ये वीडियो में आपने पूरे कंप्लीट प्रोसेस देख लिया होगा, फोटोज वीडियोज का, अपने बिजनेस के लिए ऐड बनाना, सारी चीजें आपको इस वीडियो में बता चुके हैं। इसलिए चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर ले। कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, हम आपको नेक्स्ट वीडियो में उसकी सॉल्यूशन जरूर बताने की कोशिश करेंगे।